हेलो स्टूडेंट, नाउ टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक. टॉपिक इज रोमन न्यूमरल. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इन प्रीवियस क्लास वी वर स्टडी अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स. नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर, रोमन न्यूमरल्स. चैप्टर में जब हम नंबर्स को काउंट करते हैं, हमने पहले भी आपको बताया है कि नंबर्स में कैसे हम नंबर्स को जानेंगे. तो नंबर्स कई तरीके के, जैसे आप नंबर लिखते हैं तो इस तरीके लिखते हैं, नंबर्स में कोई वर्ड लिखते हैं तो इसी तरीके लिखते हैं, 1, 7, 8, 9, 10. फिर अगर हम इसको हिंदी नंबर में लिखते हैं, ये तो इंग्लिश के नंबर्स हो गए, लेकिन अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो इस तरीके लिखते हैं. सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ठीक है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये हिंदी के नंबर हो गए. लेकिन अगर हम इसे रोमन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो रोमन में हम इसे फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन, इस तरीके लिखते हैं. तो ये हो गए हमारे नंबर्स के, ये हिंदी के नंबर हो गए, ये इंग्लिश के नंबर्स हो गए, ये हिंदी के नंबर हो गए और ये रोमन नंबर्स हो गए. अगर हम नंबर लिखते हैं तो नंबर नेम को हम कैसे लिखते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये क्या हो गए हमारे नंबर्स नेम हो गए. तो हम हर एक नंबर्स को एक फॉर्मेट में लिखते हैं ना, कि जिससे हमें नंबर्स लिखने का आइडिया हो. तो हिंदी में, इंग्लिश में, रोमन में और नंबर्स नेम में हम नंबर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये आप जानेंगे. फिर रोमन नंबर्स, आप वन से लेके थाउजेंड तक आपको नंबर्स बताया जाएगा कि रोमन नंबर को हम वन से थाउजेंड, क्योंकि वन से लेके थाउजेंड तक आप नंबर्स तो लिख लेते हैं, लेकिन रोमन नंबर्स में आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे उसको चेंजेस किया जाता है और कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है. सामने चार्ट है, उस चार्ट में क्या है, रोमन नंबर्स दिया हुआ है, वन से लेके हंड्रेड तक के नंबर लिए हैं, ठीक है. वन से हंड्रेड तक का नंबर दिया हुआ है, तो वंस को हम कैसे लिखते हैं, टू को कैसे लिखते हैं, थ्री को कैसे लिखते हैं, फोर को कैसे लिखते हैं, ये चार्ट को बहुत से लेके टेन तक के रोमन नंबर्स इसी तरीके लिखे जाएंगे, ठीक है. अगर हमें इलेवन लिखना है तो इलेवन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेन, टेन में प्लस वन करेंगे तो देखिए ये इलेवन हो जाएगा, इसी तरीके हमारा नंबर ट्वेल्व हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, 20 आएगा. तो यहाँ पे 20 इस फॉर्म में लिख लेंगे. अगर 21 लिखना है तो डबल डबल एक्स में आई, आपके सामने चार्ट है, आप उस चार्ट को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा चेंजेस कहाँ से हो रहे हैं, मुझे आपको ये बताना है, ठीक है. उसी तरीके 21 से 30 तक आप लिख लेंगे तो 30 में क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 30 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा, ठीक. अब ट्रिपल एक्स 30 के लिए हो जाएगा तो 31, 32, 33 भी आप उसी फॉर्म में लिख लेंगे, 31 के लिए ये, 32, 33, 34, 35, 36, 37 दिया हुआ है, 38 कहाँ चेंजेस हुआ, 39 से, कहाँ से भी चेंजेस हुआ है, जैसे 39 है तो 39 के लिए आप क्या लिखेंगे, ट्रिपल एक्स और आई एक्स, ये 39 हो गया, 39 तक आप लिख लेंगे. लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो 40 नंबर से चेंज हो जाता है, तो 40 को हम क्या लिखते हैं, एक्सएल, क्या लिखते हैं, एक्सएल. एक्सएल के बाद है 1 से लेके फिर आप 50 तक, 49 तक लिख लेंगे, और उसके बाद ये 50 लिखना होता है तो 50 को हम क्या लिखते हैं, एल, 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं. 50 के बाद 60 है तो 60 के लिए क्या हो जाएगा, एल एक्स. उसी तरीके 70, एल डबल एक्स, 80, एल ट्रिपल एक्स, ठीक है. 90, तो 90 के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे
हुआ, उसके बाद 90 हो गया, तो xc 100 के लिए क्या हो जाएगा c। के बाद उसी तरीके हम आगे 101 से लेके 110 तक भी नंबर्स लिख लेंगे और आगे चेंजेस करेंगे। फिर हम लास्ट ऐसे 300 है, तो 300 के लिए हम ट्रिपल सी लिख सकते हैं ना। उसी तरीके 400 में चेंजेस आएगा, 400 को हम क्या लिखेंगे, सी डी, क्या लिखेंगे, सी और डी। तो 500 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, डी, और 600 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, डी सी, क्या आ जाएगा, डी सी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक लास्ट है क्या, 1000। तो 1000 में हम क्या लिखते हैं, 1000 के लिए हमारा क्या बन जाता है, एम। तो हमें रोमन न्यूमरल्स 1 से लेके 1000 तक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 100 तक नंबर आता है तो आप उस नंबर्स को आगे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद में हमें जानना है कि रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स के कॉम्बिनेशन बताने हैं। कॉम्बिनेशन में हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताने हैं कि अगर हमें, मान लीजिए आपको कोई नंबर नहीं आता है लिखने के लिए, तो हम उस नंबर को कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास नंबर दे दिया जाए कि आपके पास क्या है, मान लीजिए ये 15 नंबर है, 15 नंबर का हम रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 10 तक तो आना चाहिए आपको, 10 तक आना चाहिए, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको आपको आने चाहिए। अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 10 प्लस 5 होगा, 10 प्लस 5 के लिए 10 को हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, x लिखते हैं कि नहीं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और 5 को हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एडिशन है, कॉम्बिनेशन बताना है दोनों का, और इसमें पहला रूल क्या है, एडिशन का है, तो एडिशन हम कर रहे हैं। तो अगर 15 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x और v, तो ये हो गया क्या, 15। दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आपके पास में मान लीजिए है 60 नंबर, कितना है, 60 नंबर है, तो हम इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ दें, इतने अच्छे से तोड़ें कि जिससे वो नंबर आ जाए। तो एक्सपेंडेड में जहाँ से चेंजेस नंबर होता है बस वहीं से ही हमें उसको तोड़ना है और उसको समझना है। तो हम इसमें अगर 50 + 10 कर दें, 50 + 10 कर दें, तो क्या होगा, 50 का हमारा क्या होता है, L, और 10 का क्या होता है, X, तो ये क्या हो जाएगा आपका, LX हो जाएगा। फिर एक दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास में 78 है, ठीक है, ये नंबर है। अगर इसे हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 50 में चेंज होता है और 10 में कोई चेंजेस नहीं, वो वैसे लिखा जाएगा। हम 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम और शॉर्ट फॉर्म से तोड़ते जा रहे हैं, तो 50 में चेंजेस 50 + 10 + 10 + 8, इस तरीके हम लिख सकते हैं। तो 50 का क्या होगा, 50 का L हो जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा आपका, X हो जाएगा, इस 10 का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 8 को हम लोग वी ट्रिपल आई करके लिखते हैं। अब इसको प्लस करके लिख दीजिए, एल एक्स एक्स वी आई, तो 78 को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके लिखेंगे। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स का एडिशन रूल। अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन रूल को लिखना है। देखिए एक्शन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल में हमें लिखना कैसे है, मान लीजिए आपके पास 100 है, आपको 90 लिखना है, ठीक है, 90 का रोमन न्यूमरल्स लिखना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। 90 का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 100 - c करेंगे, 100 - 10 करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 90, ठीक है। 100 को हम क्या लिखते हैं, c, और 10 को क्या लिखते हैं, x। तो जब 90 में आता है तो ये इसके बाद आता है, तो ये हो जाएगा क्या, x और c, क्या हो जाएगा, x ही। एडिशन में हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये इससे घट रहा है, तो ये इससे घटेगा, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 90। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपके पास है क्या है, 400 है, ठीक है, 400 आपको निकालना, इसका रोमन न्यूमरल्स लिखना है। 400 में हम 500 - 100 कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 हो जाएगा। 500 को हम क्या बोलते हैं, डी, और 100 को क्या बोलते हैं, सी, ठीक है। तो ये इससे घट जाएगा, तो ये इससे घट जाता, तो ये यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सी, और ये क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा,
400 हो गया। अब आपको समझना है कि कहाँ पे माइनस करना है और कहाँ पे प्लस करना है। अगर किसी भी बड़े नंबर से छोटे नंबर के लिए हम निकाले, जैसे हमने ये 90 के लिए निकाला, तो हम 100 में से 10 माइनस कर सकते हैं ना। उसी तरीके अगर हमने 400 निकाला तो 500 में से हम 100 माइनस कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस नंबर पर, और ये पॉसिबल तब होगा कि वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे हमें एडिशन करना है और कहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास आ गया 80 लिखना है, तो 80 में आप 100 माइनस 20 नहीं कर देंगे, 100 माइनस 20 कर देंगे तो बहुत कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। फिर अगर हम इसे लिखते हैं सी और 20 को लिखते हैं डबल एक्स, ठीक है, तो ये इससे माइनस नहीं होगा, ये इससे माइनस नहीं होगा, क्योंकि 80 को लिखने पर हम डबल एक्स सी अगर करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि 80 कैसे आया, सिंपल मेथड है कि अगर हम 50 में 30 प्लस कर रहे हैं तो 50 को हम लिखते हैं एल और 30 को लिखते हैं ट्रिपल एक्स, तो 80 आ जाता है ना। तो हमें ये देखना है, सिर्फ वो डिफरेंस देखना है कि कहाँ पे वो डिफरेंस होने के लायक है और कहाँ पे वो डिफरेंस हो सकता है। हर जगह पे वो डिफरेंस नहीं होगा, ये हमें अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर डिफरेंस होगा और कहाँ पे प्लस होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। तो ये दो रूल है आपके पास में, रोमन नंबर्स दिया रहेगा, उस रोमन नंबर्स को आपको हिंदी में लिखना होगा, मतलब इसमें लिखने होंगे, और कुछ आपके नंबर्स हिंदू अरबिक नंबर्स दिए होंगे और उसको आपको लिखने किस में होंगे, रोमन न्यूमरल्स में। तो आपको समझ, पहले एक दो क्वेश्चन मैं इस टाइप का बता दे रही हूँ, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग, आपके पास जो एक्सरसाइज जाएगी उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व भी करनी है। जैसे देखिए, अगर आपके पास रोमन न्यूमरल्स दिया है, जैसे सी आई वी ये एक नंबर है, तो सी किसके लिए होता है, आप इसके लिए सोचिए कि सी किस में, क्योंकि आपके पास मैंने सारी, आपको सारी फॉर्मेट मैंने बता दी, चार्ट के अकॉर्डिंग बता दी किस नंबर को क्या लिखते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे हर टाइम पे जब आप क्वेश्चन करते हुए बैठ रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को देखिए, समझिए कि सी को क्या बताया गया था, फिर उसे नोट डाउन करिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें ये भी लिखते जाइए कि कहाँ पे कौन सी पॉइंट्स बताई गई है, मैम ने क्या बताया, और उसे हम नोट डाउन करें, तो जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके हमको पढ़ना है और किस तरीके समझना है। ज़रूरी ये नहीं कि हम जब सामने हों तभी हम पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप वीडियो के जरिए से भी पढ़ रहे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए कि वो समझिए कि हाँ वो एक क्लास चल रही है, उस क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या नोट डाउन करनी है। तो इस सी को हमने बताया क्या था आपको, 100, क्या बताया था, 100 को हम सी बोलते हैं ना। फिर ये क्या है, 4 को हम किस तरीके लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में, इसी तरीके। तो ये क्या है, ये हो गया 100 प्लस 4, तो ये कितना हो गया आपका 104। तो आपके पास ऐसे रोमन्स के नंबर होंगे और आपको नंबर्स में लिखने होंगे, ठीक है। और अगर आपके पास में नंबर्स दिया है और रोमन न्यूमरल्स आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करिए, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए जहाँ से नंबर रोमन नंबर चेंजेस होता है वहीं से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो देखिए, 100 प्लस 50 प्लस 6, ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। 100 प्लस 50 प्लस 6, तो 100 को हम क्या, सी, 50 का एल और 6 का ये, 6 को हम ऐसे लिखेंगे ना, अब इसको लिख लीजिए एक साथ, CCL6। तो ये हो गया आपका क्या, रोमन न्यूमरल्स। तो बस ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है आपका कि रोमन न्यूमरल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं। वीडियो के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग को बहुत अच्छे से समझिएगा कि कैसे रोमन न्यूमरल्स को हम लिखते हैं। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस पे लाइए, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपको ज़रूरी नहीं होगा कि हम आपको सिर्फ एक्सरसाइज दें, आप सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है रोमन न्यूमरल्स का। ओके।